डार साहब और हमारे दूसरे भाई बीमार हो गए थे। डार साहब क्या लग रहा है आपको अब? ठीक हो गया? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, खैर बरकत से होंगे और आप सबका अच्छा जा रहा होगा। और आज है हमारा थर्ड दिन। अभी हमें लेह लद्दाख से सीधे जाना है, या तो हम पैंगोंग जाएंगे या जाएंगे हम क्या बोलते हैं नुब्रा, अभी देखते हैं। फिलहाल हम निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 5:30 और चाय हमने पी ली, तो चलो। और छोटो चलो खाली मोबाइल देखते हैं। तो चलो, ये रहा हमारा बीस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो चलते हैं बिस्मिल्लाह करके। डार साहब आप तैयार है? ये हमारा रूम था यहाँ पे कुछ ऐसा। ओह हो भाई साहब, क्या अभी दीवार है सुबह 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 के 5:30 हो रहे हैं अभी। टू एंड हाफ किलोमीटर टर्न लेफ्ट ऑटो खारा दुंगला रोड से हम अभी चल रहे हैं। नीचे से ये लेह लद्दाख है। ओह भाई साहब, क्या व्यू आ रहा है अभी। यहाँ का रास्ता अभी बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। ये देखिए भाई साहब, कितना नजदीक है हवाई हेलीकॉप्टर। हाई एल्टीट्यूड अभी बढ़ रहा है और हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है। मतलब मैं हॉर्न कर रहा हूँ ना, ये देखिए जैसे हॉर्न का वो दम घुट रहा है। ये देखिए हॉर्न ही सुन पा रहे हैं गाड़ी की हल्की हॉर्न। ओहो भाई साहब, क्या ही जबरदस्त नजारा है, क्या ही जबरदस्त व्यू आ रहा है। डार साहब हमारे ठंडे पड़ गए आज। यहाँ से जो पानी यहाँ से आ रहा है नाले से, साइड से जम गया है। ठंड बहुत है यहाँ से। हमारे बंधु ने खांसना स्टार्ट कर दिया है। भाई साहब क्या ही जबरदस्त नजारा है, वो अब देख रहे हैं ग्लेशियर। ठंड बहुत है यहाँ से, ठंड बीच में तो कहीं पे मतलब कि जमा हुआ भी है, पानी जमा हुआ है, मतलब कि बहुत कोल्ड है। हॉर्न का पता नहीं क्या प्रेशर का मतलब हो रहा है, कम हो रहा है, हॉर्न कम आवाज दे रही है, जैसे दम हो रहा है हॉर्न में। हेलो, मतलब कि गाड़ी की जो खिंचाई है पिकअप, वो भी जैसे मतलब कि कम लग रहा है यहाँ से। ओहो भाई साहब, ये देखिए भाई साहब, यार हमें मौसम बड़ा सुहाना है, नजारा बहुत सुहाना है और
या आप लोकेशन भी देख सकते हैं और वेदर भी अभी का देख सकते हैं, व्यू भी देख सकते हैं, कैसा जबरदस्त ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। भले ही यहाँ सूखा सूखा है, पेड़ वो क्या बोलते ग्रीनरी नहीं है, मगर फिर भी यहाँ का जो ब्यूटी है इसका अलग अपना मजा है। यहाँ पे गाड़ी हमने साइड में लगा ली थोड़ा रेस्ट करने के लिए। ओहो क्या ही जबरदस्त नजारा है, गाड़ी यहाँ पे साइड में लगा ली और यहाँ से ये देख रहे हैं आप वाटर कहाँ से बह रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है। ओहो क्या ही जबरदस्त नजारा है, ये देखिए भाई जबरदस्त ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। सो अभी हम चलते हैं यहाँ से, रेस्ट हो गया अपना। हमने सोचा था यहाँ पे हम चाय बनाएंगे मगर यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, जो पानी की जो वेव आ रही है बहुत ठंडी आ रही है। तो अभी यहाँ से हम निकल जाते हैं, कहीं और पे रुकते हैं हम। चलो भाई ये देखो बाइकर, इनके तो मज़े हैं। मुझे लगता है मैं भी ऐसी एक बाइक लूँगा हिमालयन। है ना मज़े हैं भाई साहब के, मजे है कसम से। रास्ता यहाँ से बड़ा जबरदस्त है, खारदुम 13 किलोमीटर है यहाँ से। एंजॉय द व्यू, सब कोई गाँव आ रहा है शायद, विलेज है खारा, यही मत है खारा दूरा। हाँ खारा यही है गाँव, उसमें सो ये खारदोंग, खारदोंग गाँव विलेज यही है। अभी हमें आगे चलना है करीब करीब 80 किलोमीटर। ये कैसा जबरदस्त व्यू आ रहा है। अभी अभी मौसम थोड़ा डाउन है, यहाँ पे सूरज भी नहीं दिख रहा है कहीं से। देखिए आप बादल हैं तो इस वजह से मौसम थोड़ा डाउन है, बारिश वाला जैसा मौसम लग रहा है। ये देखिए व्यू भाई साहब, क्या व्यू आ रहा है, जबरदस्त व्यू आ रहा है। यहाँ पे हमने गाड़ी साइड में रोक ली, हम यहाँ पे चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे। और बंदे लोगों का सिर बारी बारी लग रहा है ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से। तो मैं फिलहाल फिट हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी यहाँ पे रोक ली हमने, ये देखिए बीस्ट कैसा ब्यूटीफुल नजर आ रहा है यहाँ पे पहाड़ों के बीच में। ये हमारा छोटू है, ये भी मस्त भी है, इसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डार साहब मतलब क्या लग रहा है आपको? बीमार हो गया? ये बीमार नहीं है, ये ऑक्सीजन की जो कमी है यहाँ पे उस वजह से हो रहा है। तो ये देखिए भाई स्टोव जलाने की कोशिश में, मगर हवा चल रही है तो स्टोव भी नहीं जल रहा है, शायद जलने लग गया। कैसे ये देखिए भाई साहब, थोड़ा सबर रखो, इसको थोड़ा गर्म होने दो, सबर का फल मीठा होता है। अभी चाय पियेंगे तो फिर उसके बाद फर्दर अपना जो रास्ता है हमारा तो क्रॉस करेंगे फिर। भाई साहब ये देखिए कैसा नजारा है और मौसम भी कैसा है, ऑक्सीजन लेवल कम है यहाँ पे, ये देखिए। और बीस्ट हमारा वहाँ पे, ये हाईवे है। तो अभी हमारी चाय बन रही है यहाँ पे,
ये देखिए भाई। हाय गाइस, हमारी चाय कॉफी वाली कड़क वाली। ओहो, क्या टेस्ट आ रहा है, कैसा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। छोटू कैसा फील हो रहा है? और लोकेशन भी देखिए, चाय हमने कहाँ पे बना ली। ये हमारा बीस्ट बैठा हुआ है, हमारा एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ, उसकी हवा टाइट हो गई। ओहो, अभी हमारी तो अभी चलते हैं, रिफ्रेशमेंट हो गई हमारी। बिस्मिल्लाह। ओहो, चलो बिस्मिल्लाह। चलो भाई लोग, जल्दी चलो, चलते हैं फिर। अभी लगभग नियर अबाउट 60-65 किलोमीटर शायद हमें क्रॉस करना है। बुलाया थे ठीक ठाक भाई साहब। ये देखिए रास्ता बहुत ही खतरनाक, डेंजरस वाला रास्ता है। डार साहब और हमारे दूसरे भाई बीमार हो गए थे। डार साहब क्या लग रहा है आपको अब? ठीक हो गया? चलो चलो, यहाँ पे आर्मी ट्रेनिंग सेंटर है, तो यहाँ पे हम अंदर गए कैंप में, तो वहाँ पे मेडिसिन लाया, दवाई लाई और डार साहब को इंजेक्शन किया। तो अभी डार साहब ठीक है और दवाई ववाई दी, तो अभी रिलैक्स हो रहे हैं ये। तो अभी यहाँ से हम आगे फर्दर रास्ता है जो हमारा बचा है, तो वो क्रॉस करके चलो। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। अभी हमारे बंदे सही लग रहे हैं और ये आप यहाँ का व्यू भी देख रहे हैं, रास्ता भी देख रहे हैं, नज़ारा भी देख रहे हैं। अभी हमें लगभग जो नुब्रा है, नुब्रा वैली तक करीब नियर अबाउट 50 ऐसा ही होगा ना। यहाँ पे लिखा है सुमूर 17 पैनेमिक 40। Keep right. और ये आप देखिए नजारा कैसा है। अभी हम 10,000 के मतलब के एल्टीट्यूड पे है। अभी हम 18,000 हमने पीछे। In about 1.5 kilometers, keep right. ये भाई साहब अभी हम ये देखिए जो यहाँ से दरिया आता है, इसके ब्रिज को हम क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर पहाड़ है लेकिन उनके बीच में दरिया है। In 500 meters, keep right. यहाँ पे थोड़ी बहुत हॉर्न जो है ना काम कर रही है, अच्छे से आवाज मिल रही है। जहाँ पे हम हाई एल्टीट्यूड पे थे ना, वहाँ पे आवाज ही हॉर्न की नहीं आ रही थी। 18,000 ये देखिए क्या हिस्सा बरसात। यहाँ से जो नीचे जो दरिया नाला बह रहा है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से पहाड़, वो नाले के उस साइड भी पहाड़। Keep right. से जा रहे ये भी पहाड़। देखिए भाई साहब क्या व्यू आ रहा है, क्या मस्त मस्त नजारे पहाड़ों की ब्यूटी। सब अभी हम सुमूर पहुंच गए, सुमूर नुब्रा। अभी हम पहुंच गए सुमूर नुब्रा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हम जनरल स्टोर के पास रुके हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए ले रहे हैं हम। तो उसके बाद हमें जाना है यहाँ से तुरतुक।
पहले यहाँ से थोड़ा कुछ बिस्किट विस्किट ले जाएंगे खाने के लिए। नुब्रा समूर अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं हम गए थे दूसरे रास्ते से, अभी हम परफेक्ट रास्ते से जा रहे हैं नुब्रा, और यही से तुरतुक भी जाता है रास्ता। तो फिलहाल देखते हैं आगे में क्या होगा, तो आपको भी दिखाएंगे। ये भाई साहब देखिए आप धूप क्या आ रहा है, बीच में ब्लैक रोड और साइड साइड से वाइट वाइट व्यू आ रहा है, रेत माउंटेन व्यू जबरदस्त व्यू आ रहा है। एटीवी राइड यहां से कर सकते हैं, एटीवी राइड। Сапет всех погору, чё? Чё, наверное? Всех получу. Там кар-видео-кар-кар-кар-видео-кар. На. Пора в Лагбагана, ты Ардаша километров ходишь. Ардасас. А? Ардасас. Ардасас. Митер. अभी हम पहुंच गए हैं नुब्रा, वेलकम नुब्रा वैली डिस्ट्रिक्ट। ये समझ ही नहीं आती है ये भाषा, ये देखिए भाई अंचन से अब सही है ग्रुप बन पाओ यहां से रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट अच्छा है भाई साहब। ये देखिए आप क्या नजारा है, रेत ही रेत है, रेतीले मैदान। वे टू तुरतुक, वहां से आके फिर हम वापस स्टे करेंगे नुब्रा में। फिलहाल हम तुरतुक से घूम के आएंगे। हवा चल रही है बहुत, व्यू भी देखो क्या आ रहा है। अभी हम तुरतुक की तरफ जा रहे हैं, अभी लगभग नियर अबाउट 60-65 किलोमीटर हमें तुरतुक तक चलना है, तो फिर देखेंगे वहां पे क्या होगा। पानी पानी निकलना है, ओ, ओ, गुफा से निकलना है जैसे कुछ You and me